बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक शो। आज इधर हम काम करने आए हैं ना, ये टेबलें हैं, इनमें जनाब इंटरनल डक्ट लगा कर ना, सॉरी एक्सटर्नल डक्ट लगाइए, डक्ट लगा कर इनके जो है ना बॉक्स, ऑटो बॉक्स लगे हुए हैं। एक पावर प्लग का है और एक आयो की सॉकेट है, तो वो भी आपको दिखाते हैं किस तरह जनाब हम इसके जो बैक बॉक्स है उसमें केबल इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जो है आयो की पंचिंग, कैट 5E आयो की पंचिंग है, वो दिखाते हैं अभी आपको। सबसे पहले जो है ना इसका आयो निकला हुआ, कलर कोडिंग चेक करें आयो की कलर कोडिंग है जनाब। सबसे पहले फुल ऑरेंज है 2 नंबर, फिर वाइट ऑरेंज है 1 नंबर, फिर वाइट ग्रीन है 3 नंबर, फिर वाइट ब्लू है 5 नंबर, फिर फुल ब्लू है 4 नंबर, फिर फुल ग्रीन है 6 नंबर, फिर फुल ब्राउन है 8 नंबर, फिर जनाब वाइट ब्राउन है 7 नंबर। अब इस लिहाज से जनाब हम इसकी पंचिंग करेंगे। यह कनेक्टर की तरह बनाना पड़ता है, RJ45 जो कनेक्टर है ना उसकी तरह बनाना पड़ता है इसका कलर कोडिंग, केबलें प्लग इन करने के लिए। कलर कोडिंग आयो की अपनी है, फुल ऑरेंज, वाइट ऑरेंज, वाइट ग्रीन, वाइट ब्लू, फुल ब्लू, फुल ग्रीन, फुल ब्राउन, वाइट ब्राउन, ये है जनाब कैट 5E का जो है ना आयो है, इसकी कलर कोडिंग अनब्रांडेड है। अब इसमें करते हैं, ये देखें, ये बैक पे इसकी कैप है, कैप को उठाएंगे थल, ये
केबल निकल आई है। ये चीज ये देखें, ये जनाब इसकी कलर जो है, इसके जनाब अपने अपने कलर वाले हिस्से में चल गया। अब इसे जनाब ऊपर से दबाना है कैप को, ये जनाब पंचिंग हो गई, ये कलर कोडिंग है इसकी, ये जनाब पंचिंग हो गई है। काफ़ी मुश्किल है, ये आया हुआ है अनब्रांडेड कैट 5E का आया हुआ है, अनब्रांडेड कैट 5E अनब्रांडेड। अब इसे प्लग इन करते हैं प्लेट में, ये प्लेट है इसकी, ये जनाब प्लेट में प्लग इन हो गया ऐसे। ये जनाब आयो लग गया, ये चीज। अब जनाब हमने पंचिंग की है कैट 5 की, आयो हैं जो आपको दिखाए हैं। अब पहला आयो जो है ना पंच करके चेक कर रहे हैं जनाब, वो सही भी पंच हुआ है या नहीं हुआ पंच, क्योंकि वो कैट 6 के जो हम आम आयो इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी कलर कोडिंग और है। इसकी अजीबो गरीब एक तो मिलती जुलती कलर कोडिंग होती है, लेकिन अजीबो गरीब। अब मीटर प्रेशर मीटर लगा कर ना तो चेक करते हैं। ये हमने लगाए थे कनेक्टर, इधर पैच पैनल नहीं लगा, कनेक्टर लगे हैं जनाब। ये देखें मशीन मेड की तरह कनेक्टर लगे हुए हैं, प्रॉपर जो जेन्युइन पैच कोड नहीं बनी होती उसकी तरह है। ये जनाब वायरलेस मीटर है, जिसके ज़रिए जो भी उधर केबल इसका हमने मास्टर लगाया उसके ऊपर जाएगी तो ये अलार्म देने शुरू कर देगा, तो केबल ट्रेस करने में बहुत आसानी होगी। इनमें लगाना किसी पे, ये चीज़ ये देखें, ये ट्रेसर मीटर का ये फ़ायदा है, इंसान जो है ना आराम से जनाब इतनी केबलों में केबलें ट्रेस कर सकता है। ये देखें सुना, ये देखें, अब जब तक किसे टेस्ट पे नहीं ना लगाएंगे ये अलार्म देता रहेगा। टेस्ट पे लगा देंगे तो एक एक पेयर ये टेस्ट करेगा, ये 4 पेयर होते हैं 8 केबलें इसमें। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये चीज। छ नंबर मिस कर रहा है, ये 6 नंबर, इसका मतलब है 6 जो है ना वो सही तरह पंच नहीं हुआ, पंच नहीं होया। भैन ये की वजन डी है, ये चीज। ये आयो की तरफ से जो है ना मसला है या कनेक्टर की तरफ से कोई मसला? पहले लीड चेक करिए, कनेक्टर चेक करते हैं। कनेक्टर वाइट ऑरेंज, फुल ऑरेंज, वाइट ग्रीन, फुल ब्लू, वाइट ब्लू, फुल ग्रीन, वाइट ब्राउन ते फुल ब्राउन, कनेक्टर तो सही पंच हुआ। अब जो उधर पैच कोड लगाई है ना उसको चेक करते हैं क्या मसला उसमें। ये चीज, ये है जनाब हमारा जो है ना मास्टर, ये जनाब टेस्टिंग शुरू हो गई है, देखते हैं अब इसकी टेस्टिंग क्या करती है। दूसरे पे लगा कर चेक करते हैं भला ये क्या कहता है, ये क्या जनाब हमें टेस्टिंग में क्या रिजल्ट देता है।
उसकी कलर कोडिंग तो हमें पता लग गया कलर कोडिंग जो है कैसी है, लेकिन वो थोड़ा सा पंच करने में मुश्किल पेश आ रही है। अब ये जनाब देखते हैं, इसे लोकेट करना पड़ेगा, उधर से लोकेट करके केबल ढूंढकर फिर जनाब इसे करते हैं टेस्ट। ये देखें वो दूसरी तरफ से केबल मिल गई है, यह चीज सही है। ओके या दो त्राय चार पांच ओके ये वाला जनाब सही है। अब जो पहले टेस्ट किया था ये वाला पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट खराब है। अब इस पॉइंट को जो है ना करते हैं जनाब दोबारा चेक, ये चीज़ ये जनाब टेस्ट हो रहे हैं, चार पेर हैं, आठ से और आठ केबल हैं इसमें। ये देखे 1 2 3 4 5 6 7 ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, बिल्कुल आयो सही पंच हुआ है। कैट 5E का आयो है, बिल्कुल सही पंच हुआ है। ये पहले गलत पंच, वो जो पहले लगाया था ना आयो, तो वो तो आयो ख़राब था, इसलिए वो 7 और 8 नंबर जो है ना मिस बता रहा था। तो ये अब नया लगाया है तो ये बिल्कुल ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देख लिया आपने जनाब टेबलों में जो कंप्यूटर टेबल हैं उस पर किस तरह जनाब इंटरनल बॉक्स लगे हुए हैं और डक्ट लगाकर एक्सटर्नल नेटवर्किंग की हुई है और पंचिंग वगैरह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज़।